हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। 12 तक हम लोग लास्ट के वीडियोस में देख चुके हैं, समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट को, तो आज हम लोग करने वाले हैं 13 ऑनवर्ड्स। तो आपको ध्यान से देखना है बच्चों, हम लोग ये सीरीज जो कर रहे हैं वो मिसलेनियस इंटीग्रेशन है, जिसमें बच्चों को अभी भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप लोग इस दिक्कत को सीरियसली लो, और एग्जाम टाइम में मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम टाइम में आपको मिसलेनियस करनी ही चाहिए, एनसीईआरटी मिसलेनियस, वेरी वेरी गुड, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट के पर्दे को खोलता है और आपको ये सिखाता है कि इंटीग्रेशन या कोई भी चैप्टर है कितना सीरियसली लेनी चाहिए। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को हमारे को मिलती है। आपको हो सकता है कुछ नई चीज़ें मिले, लेकिन बच्चों से रिक्वेस्ट ये होती है कि आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, जी जान से ट्राई करो। खुद से कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है कहीं पे अटक रहे होता है, वीडियो को देख सकते हो बीच बीच में, ठीक है बच्चों। आई स्टार्ट करते हैं 13 नंबर। ये क्वेश्चन दिया गया है न्यूमरेटर में, सारे इंटीग्रेशन ही है, ex से ऊपर भी और नीचे भी है, तो ex की जगह t ले लो, काम आपका आसान हो जाएगा। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, लेट e टू द पावर x इक्वल टू t, तो ये क्या मिलेगा, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास क्या इंटीग्रेशन है, e टू द पावर x dx अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x 2 प्लस e टू द पावर x, ये है ना, e टू द पावर x dx को हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। ये हो जाएगा dt और ये हो जाएगा 1 प्लस t और ये हो जाएगा 2 प्लस ऑफ t, ठीक है ना। अब यहां से पार्शियल फ्रैक्शन का काम शुरू होता है, आसान है, आप लोग ध्यान से देखो, पार्शियल फ्रैक्शन शायद आप भूल गए होंगे, अभी याद आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग करेंगे 1 प्लस, हम लोग यहां पे करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी, ए अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी, ऐसे लिखेंगे हम लोग। और इस पूरे जो डिनोमिनेटर की चीजें इसको राइट साइड आप ले जाओ तो क्या मिलेगा आपको, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 प्लस टी प्लस बी इंटू 1 प्लस ऑफ टी, ठीक है ना। तो इसको आप खोल दो ब्रैकेट को, सो 2 ए प्लस बी, ये आपको टी के साथ मिलेगा, ठीक है ना, 2 ए प्लस बी, सॉरी ध्यान से लिखना है हमारे को 2 ए प्लस बी, ये कांस्टेंट टर्म है, ब्रैकेट में खोलेंगे तो 2 ए मिलेगा, यहां से बी मिलेगा। और अगर t के साथ आप लिखना चाहते हो, और अगर आप t के साथ लिखोगे तो t कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब आप इसके कोफिशियंट्स को कंपेयर करोगे, यहाँ कांस्टेंट है इधर कांस्टेंट 1 है, तो दोनों कांस्टेंट को इक्वेट कर दो, आपको क्या मिलेगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इधर t है इधर t वाला 0 है, तो a प्लस बी 0 लिखेंगे, तो लिख दिया हम लोगों ने a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको अब दोनों को सॉल्व कर लेनी है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो 1 माइनस 2 कर दो आप, सो 2 ए माइनस ए सिर्फ ए मिलेगा, बी माइनस बी 0 हो गया और ये 1 हो गया, ए की वैल्यू मिल गया मेरे को 1, ए की वैल्यू यहां 1 डाल दो तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1, ए 1 और बी माइनस 1 दोनों मिल गया ना, ए 1 और बी माइनस 1 यहां डाल देते हैं, चलो a की जगह 1 डाल देंगे और b की जगह माइनस 1 डाल देंगे, 1 और यहां माइनस 1, इजी है, इजीएस्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे dt अपॉन 1 प्लस t और माइनस 1 dt अपॉन 2 प्लस t, डी टी अपॉन 1 प्लस टी तो सीधा लॉग हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस टी माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस टी, ये हो गया। और टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो e टू द पावर x, तो लॉग ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x, 1 प्लस e टू द पावर x माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस e टू द पावर x प्लस ऑफ, ये आपको मिल गया। तो प्लीज नोट कीजिए, आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। ठीक है, फुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
और काफी इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 14। यहां भी पार्शियल फ्रैक्शन का ही काम है, हमने सीखा था पार्शियल फ्रैक्शन में। जिन बच्चों ने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं किया है उसका मैं लिंक यहां डाल दूंगा इसी वीडियो के लास्ट में, आप लोग देख लेना क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट। यहां लिखेंगे 1/(x²+1) एंड (x²+4) दैट इज (a)(x²+1) प्लस (ax+b) ले लो यहाँ पे, और यहाँ ले लो आप (cx+d), यहाँ पे आप ले लो (cx+d) (cx+d) (x²+b+4) ठीक है, ये मिल गया हमारे को। यहाँ पे आपको ABCD फाइंड करनी पड़ेगी। ये डिनोमिनेटर को पूरा राइट साइड ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, (ax+b)(x²+4) मिलेगा एंड (cx+d)(x²+1) मिलेगा, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो यहां पर मिलेगा (ax³), यहां पर मिलेगा (cx³), क्यूब वाला फैक्टर आपको मिल रहा है। चलो पूरा खोल देते हैं पहले, तो (ax³+4ax+bx²+4b+cx³+cx+bx²+b), ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने। तो यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, a+c = 0, ठीक है, क्यूब वाला जीरो हो गया क्योंकि इधर तो क्यूब है नहीं, हम लोग कोफिशिएंट को तो कंपेयर करते हैं, सीधी सी बात है। यहां भी x² है, यहां भी x² है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिख सकते हैं b+d = 0 क्योंकि x² का कोफिशिएंट LHS में 0 है। यहां भी x का कोफिशिएंट हम देख रहा हूं, तो 4a, दिस इज 4a और c, 4a+c = 0 क्योंकि x का कोफिशिएंट भी लेफ्ट साइड में 0 है। अब कांस्टेंट्स के बारे में, कांस्टेंट क्या क्या है मेरे पास, 4b है और d है, तो मैं क्या लिखूंगा, 4b+d = 0, ठीक है। चलो बढ़िया, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमें चार चीजें फाइंड करनी है, a b c d। बच्चों आपको दिख रहा है साफ साफ, चेक करना पड़ता है मुझे बार बार, यस। तो पहले क्वेश्चन से मुझे मिलेगा a = -c, तो यहां डाल दो a की जगह -c यहां पे, तो मुझे मिल जाएगा -(4c+c)=0, दैट इज c = 0। चलो एक वैल्यू तो आ गई c = 0, मैं साइड में लिख देता हूं, c 0, तो a भी 0, ठीक है, a x³+c x³, a+c 0 मिल गया मुझे, यानी कि c 0, तो a भी 0, c 0 और a 0, दो वैल्यूज मेरे को मिल चुके हैं। तो b+d को सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, b = -d है, यहां डाल देते हैं, थोड़ा गड़बड़, लेट मी चेक, ax+x²+4, तो ax³ cx³, तो a+c। कांस्टेंट की बात करें हम लोग, कांस्टेंट था मेरे पास 4b+d, कांस्टेंट = 0 नहीं होगा, 1 होगा क्योंकि इधर कांस्टेंट 1 है, ठीक है, ओके, गॉट इट। तो मेरे को इधर मिल गया b+d = 1, ये 1 लिख लेंगे हम लोग, और यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मिल गया b = -d, तो b की जगह -d लिखूंगा मैं, तो -(4d+d)=1, -3d=1, d = -1/3, d मुझे मिल गया -1/3, तो b = -d होता है, तो d मुझे मिल गया -1/3 और b मुझे मिल गया 1/3, ठीक है, ABCD सब कुछ मिल चुका है, यहां डाल देते हैं, काम अपना हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, a 0 है और c 0 है, तो a 0 और c 0 है का मतलब a यहां से हटा दो और सी भी यहां से हटा दो, ठीक है ना, b की वैल्यू 1/3, d की वैल्यू -1/3,
यहाँ डाल देते हैं हम लोग, चलो इसको हटाओ इसको हटाओ, और b की वैल्यू 1/3, ये हो गया 1/3, d की वैल्यू कितनी है -1/3। ठीक है बच्चों, चलो इसको आप पूरा का पूरा रिप्लेस करने वाले हैं, इस जगह की जगह ये चीज ये सब चीज वहां डालने वाले हैं, तो मेरे को मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 को तो बाहर ही कर दो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, -1/3 तो -1/3 को बाहर कर दो, दिस इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक, ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x by a, 1/a tan इनवर्स x by a, बिल्कुल पुराना फॉर्मूला है अपना, 1/a tan इनवर्स x by a, बिल्कुल पुराना फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि यहां मैं 2 का स्क्वायर भी लिखूंगा ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, भूलना नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूला है, हो गया, यहां पे लगा दो प्लस c, डन, 13-14 डन, अब हम लोग कर लेंगे 15, प्लीज 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 मेक ए नोट, क्वेश्चन नंबर 15 करके देखें, चलो लिख लो पहले, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है cos क्यूब एक्स ई टू द पावर log ऑफ sin x, log की प्रॉपर्टी मुझे मालूम है, ई टू द पावर log sin x का मतलब सिर्फ sin x होता है, ठीक है ना, ओके, ये पूरा का पूरा को हटाओ, सिर्फ sin x लिखो यहां पर, सिर्फ sin x dx लिखो, बढ़िया ना, अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, लेट cos of x equal to t, ये हो जाएगा sin x dx, sin x dx minus dt, ये हो जाएगा minus dt, और यहां हो गया t, ये हो गया minus of t square by 2 plus of c, तो minus half तो रहेगा ही, into t square का मतलब हो गया cos square, हो गया, कितना easy था, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे 13, 14, 16 जो हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, आगे के देखेंगे क्वेश्चंस 16 ऑनवर्ड्स, अगर आपको पसंद आया हो, कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर तो बनते हैं बच्चों, क्योंकि इट मोटिवेट्स अस अलॉट टू मेक हार्ड वर्क, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।